हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जब भी एक नया लैपटॉप लें तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए ज़रूर इसकी एसेसरीज ले लें। इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो बात करें इसके स्क्रीन गार्ड की, तो आपको स्क्रीन गार्ड ज़रूर लेना चाहिए और इसके स्क्रीन में स्क्रैच ना आए, रेगुलर यूज़ में आपको आसानी हो। और दोस्तों, जो स्क्रीन पे आपके फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं कभी कभी या डस्ट लग जाती है, तो इसे साफ़ करते वक्त इस पर स्क्रैच ना आए, तो उसके लिए आपको स्क्रीन गार्ड ज़रूर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ इसके बैक पैनल पे भी आपको लेमिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। और इसके अलावा आपको इसका जो कीबोर्ड है उस पर भी डस्ट ना जाए और ये सुरक्षित रहे, इसके लिए भी आपको की गार्ड ज़रूर लेना चाहिए। साथ ही साथ जो पाम रेस्ट है और ट्रैक पैड है उस पर भी आपको लेमिनेशन कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपने नए लैपटॉप के लिए कुछ एसेसरीज़ वगैरह लेकर आ गया हूँ और मैंने इसे ऑनलाइन मंगा लिया है। ये कॉम्बो भी मिल जाता है, देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये लैपटॉप के बैक पैनल पर लगता है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। भगवान गणेश जी बने हुए हैं, काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में मिल जाते हैं। दोस्तों, आप भी अलग अलग डिज़ाइन के ये वॉलपेपर्स या जो बैक पैनल पे लैमिनेशन होता है ये मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़ देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है इसका की गार्ड जो कि इसके कीबोर्ड पर लगेगा और यहाँ पर ये पाम रेस्ट है। आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन मिला है भगवान गणेश जी और ये पाम रेस्ट, ये बैक पैनल पर लगेगा और ये पाम रेस्ट पर लगेगा लैपटॉप के। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरह से इतना बड़ा आता है। ये 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप है और ये इसके हिसाब से आपको दिया गया है। आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं, इसे पहले एडजस्ट कर लें और इसके बाद कटिंग करके इसे यहाँ से इसको पील करके लगा दें, आसानी से लग जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और इसके अलावा जो पाम रेस्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इस तरीके से। ये वाइट कलर का नहीं है, ये यहाँ पर आपको पील करना पड़ेगा इसको लगाने से पहले। भगवान गणेश जी यहाँ पर देखेंगे बस। और अगर आप ट्रांसपेरेंट वाला लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। लिंक सारे आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही दोस्तों, ये है 15.6 इंचेस वाला स्क्रीन गार्ड। ये एक ट्रिंक है, आप इसे आसानी से खुद भी लगा सकते हैं, कोई बबल नहीं आएंगे। मैं आपको अगले वीडियो में इसे अप्लाई करके भी दिखा दूंगा लैपटॉप पर। और इसके अलावा दोस्तों, जो की गार्ड है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। जब भी आप इसे लगाएं तो फर्स्ट टाइम ये इस तरह से आपको मिलेगा, इस पर कोई भी डस्ट नहीं होगी। अपने लैपटॉप को क्लीन कर लें और उसके लिए आपको क्लीनिंग किट की ज़रूरत पड़ेगी और ये तो भाई ज़रूर होना चाहिए लैपटॉप पे। जब भी फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं या हैंड प्रिंट्स लग जाते हैं और डस्ट लग जाती है लैपटॉप पे, उसे रिमूव करने के लिए ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस क्लीनिंग किट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, 5-in-1 कॉम्बो किट है ये। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि डस्ट के लिए ये ब्लोवर, ब्रश, क्लीनिंग सॉल्यूशन, और दो आपको मिलते हैं क्लॉथ, क्लीनिंग क्लॉथ, और आपको एक कॉटन वाला स्टिक भी मिल जाती है जिसमें कि करीबन 10 स्टिक्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो इस तरीके से ये भी एक कॉम्बो सेट आता है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप लैपटॉप यूज़ करके इसे रखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रख देते हैं, तो इस पर भी आप एक स्लीप कवर चढ़ा सकते हैं जो कि इस तरीके से मिलता है। ये डुअल साइड यूज हो सकता है, आप देख सकते हैं इसके साथ मैचिंग भी हो रही है। और लैपटॉप आप इस पे रख सकते हैं, 15.6 इंचेस का ये बैग है, स्लीव बैग है, आसानी से लैपटॉप इसमें आ जाएगा जब भी आप यूज़ करें। और इसे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रख दें, आप देख सकते हैं ये आसानी से फिट हो जाता है, इसमें डस्ट जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता और स्क्रैच वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक सॉफ्ट क्लॉथ वाला बैग है और स्लीव केस है, तो आसानी से आप इसे ऐसे कैरी करके ले जा सकते हैं हाथ में। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए, स्क्रीन गार्ड हो गया, बैक पैनल पे लैमिनेशन हो गया, क्लीनिंग किट हो गया, पाम रेस्ट के लिए यहाँ पर एक लैमिनेशन है ये हो गया, और की गार्ड तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप को कहीं कैरी करते हैं तो उसके लिए तो दोस्तों बैग तो ज़रूर होना चाहिए, अगर आपके पास बैग है ऑलरेडी। और दोस्तों, उस पर लैपटॉप के लिए एक जगह बनी हुई है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप एक लैपटॉप कैरी बैग ज़रूर ले लें जो आपके और भी काम आएगा। इस पर आपके डेली यूजेज की कुछ चीज़ें भी आ जाती हैं, जब भी आप कहीं ट्रैवल पर जाते हैं या जब भी आप किसी और के घर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आप इस बैग में लैपटॉप को ले जा सकते हैं। आप इस स्लिप केस में रखिए लैपटॉप को और उसके बाद इस बैग में रख दीजिए, तो काफ़ी बढ़िया ये बैग है। मैंने भी ये सब चीज़ें मंगा ली हैं, ड्यूटी फ्री का ये बैग है, क्वालिटी काफ़ी इसकी अच्छी है और इसमें एक रेन कवर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ज़रूरी हैं नए लैपटॉप के लिए, और आप भी अगर इन्हें मंगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।
मुझे दोस्तों सबसे बढ़िया ये स्लीप बैग लगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। लैपटॉप को जब भी मैं यूज़ करता हूँ उसके बाद इसी में रख देता हूँ। इस पर हीट भी आसानी से बाहर निकल जाती है, आप डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर हीट भी बाहर आसानी से निकल जाती है और ये डस्ट रेसिस्टेंस भी है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, ये सब एसेसरीज आपको ज़रूर लेनी चाहिए अपने नए लैपटॉप के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल एनर्जी। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।